दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे क्लास सेवन के हनीकॉम के एक पोयम जो कि है मीडो सरप्राइजेस। दोस्तों मेनली इस पोयम में बताया गया है कि जब भी हम लोग घास के मैदान मीन्स मीडो में जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है, जो चीज़ देख कर या तो हम सरप्राइज हो जाए या फिर अगर हम मीडो में मीन्स घास के मैदान में अगर फोकसली देखते हैं तो हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ मिल सकता है देखने को। जो इसका सबसे पहला स्टैंजा है इसमें तो ये बताया गया है कि जैसे मीडो सब में आप जब जाएंगे घास के मैदान में और अपने स्लीपर शूज़ ये सब उतार के अगर आप चलते हैं या फिर अगर आप इस तरह भी चलते हैं तो आपको मेनली तो आप अगर शूज़ या स्लीपर्स उतार के चलेंगे तो आपको जो शरीर में एक अजीब सा सॉफ्ट जो है फील होगा, मीन्स जो घास है वो आपको बहुत ही नरम फील करेंगे उस घास के मैदान में, जो बताया गया है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि ऐसा ना कि आप कहीं ऐसे जगह पर चले जाएँ जहाँ पर घास के मैदान में कुछ और भी जैसे पथरीले चीज़ हो जिससे कि आपके पैर में चुभन हो, बल्कि यहाँ पर एक सोच लाया गया है, एक थिंकिंग लाया गया है कि हम लोग घास के मैदान में हम क्या चीज़ पा सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त अच्छा ही चीज़ मिले, लेकिन एक सोच यहाँ पर लाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जिस तरह अगर आप जाते हैं मीडो में मीन्स घास के मैदान में तो आप वहाँ पर जब चलेंगे तो आपको बहुत ही सॉफ्ट फील करेगा उस घास पर। और साथ ही साथ इसके सेकेंड जो स्टैंजा है इसमें बताया गया है कि जो बटरफ्लाई हम लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर जो एक अपने बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं जिससे कि वो नेक्टर निकाल सके फूल में से, उसको यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि जो बटरफ्लाई है वो आकर एक बटर कप पर बैठ जाता है, वहाँ पर अपने वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को मीन्स जो उसका बॉडी पार्ट है उसे लगाकर उसमें से नेक्टर को खींच लेता है। यहाँ पर जो बटर कप है उसको बताया गया है मीन्स फूलों से कि कैसे एक सेंस लाया गया है इसके बारे में। साथ में इसका जो थर्ड स्टैंजा इसमें बताया गया है कि वहाँ पर आप चाहें तो जो रैबिट है उसे डरा भी सकते हैं अगर आप उसको पहचान पाएँ या फिर उसे वहाँ पर देख पाएँ तो, क्योंकि जब तक तो वो घास में रहेगा तब तक तो आप उसको देखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब वो हॉप करना शुरू करेगा तो आप उसे देख पाएंगे और चाहें तो उसे आराम से स्केयर मीन्स डरा भी सकते हैं। अब इसी के साथ साथ जो इसका अगला स्टैंजा है फोर्थ स्टैंजा इसमें बताया गया है कि वहाँ पर जो डैंडेलियन मीन्स जो फूल है उसके बारे में बताया गया है कि जब वो खिलेगा तो जिस तरह वो खिल रहा है तो खिलने पे उसके जो पंखुड़ी है पेटल्स हैं वो कि गोल्डन कलर्स के होंगे और जब वो खिलेगा तो लगेगा जैसे कि वहाँ पर एक एयरी पैरासूट मीन्स उस शेप में आता है उतना वो नरम आपको महसूस होगा, वो बताया गया है इसमें, जो कि इसमें यह हवा से ब्लॉक करेगा मीन्स इधर से उधर फ्लटर करेगा। अब साथ में साथ इसका जो फिफ्थ स्टैंजा है ये बताता है इसके अंदर कि आप मीडोज़ में ये सब तो देख सकते हैं मीन्स घास के मैदान में आपने जो चीज़ देख लिया वो भी है, जैसे रैबिट्स को देख लिए, बटरफ्लाइज और भी बहुत सारी चीज़, लेकिन साथ में इसमें ये भी बताया गया है कि मीडोज़ में आप वहाँ पर हाउसेस मीन्स घर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो घर किस चीज़ के होंगे, कुछ जानवरों के, जैसे कि जो धरती है उसके अंदर गड्ढे होंगे बेरोज होंगे जो कि किसी मोल का या फिर किसी अदर एनिमल्स का हो सकता है। वहाँ पर जो चींटी है वो भी आ सकती है, जैसे जो चींटी है वो भी वहाँ पर किसी एक जगह पे मिट्टी को हल्का गड्ढा वहाँ पर बनाकर थोड़ा वहाँ पे एक जैसे उठा के मिट्टी को वहाँ पर वो लोग रहते हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कैसे हम लोग जो वहाँ पर देख रहे हैं वो तो अलग बात है, जो मीडो है वो किसी का घर है, जैसे कुछ मोल्स हो गए उनके लिए और एंट और भी बहुत सारे जानवरों के लिए। तो ये बताया गया है कैसे जो घास के मैदान में हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो इस चीज़ को बताया गया है। और साथ साथ इसमें ये बताया गया है कि अगर वहाँ पर हम जाके अच्छे से एकदम मन से अगर किसी चीज़ को सुनते हैं फोकस करके देखते हैं तो हमें ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से बताया गया था घास के मैदान के ऊपर ये जो एक पोएम है जिसके अंदर सिर्फ एक अच्छा एक पॉइंट लेके चला गया है कि आप घास के मैदान में क्या क्या देख सकते हैं और वहाँ पर आप क्या क्या अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों मेनली इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।